નવસારીની વિજલપોર નગરપાલિકાની મળેલી સામાન્ય સભામાં સર્વાનુમતે 48 જેટલા વિકાસ કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ગત દિવસોમાં વિજલપોર નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં બનેલા તમાચા કાંડ બાદ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભાની શરૂઆતના એજન્ડા પરના કામોની ચર્ચા વિચારણા બાદ સભામાં 48 જેટલા કામોને સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આજની સામાન્ય સભામાં જે વિકાસના કામો હતા એમાં સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં હતા. વિરોધ પક્ષની 2-4 કામોમાં એમની તકલીફ જણાતી હતી, પણ સંતોષજનક જવાબ આપી દીધો છે અને એમને પણ સંતોષ થયો છે. અને વિરોધ પક્ષ એમનું કર્તવ્ય છે, કર્તવ્ય એમનું નિભાવે છે, એમાં અમને કોઈ વાંધો નથી. વિકાસના કામો હતા અને અમે અમને આ વખતે વિકાસના કામોમાં સૂર પુરાવ્યો છે. કદાચ ના પુરાવ્યો તો પણ અમે બહુમતીના જોરે જે વિકાસના કામો છે મંજૂર કરાવ્યા. આજ વિજલપુર નગરપાલિકા જો વિકાસ કે કામ કરને કે લિયે, વિજલપુર શહેર કે વિકાસ કરને કે લિયે જો સામાન સભા કા આયોજન કિયા ગયા, ઉસમે 1 સે 48 કામો કી સૂચિ આઈ થી. ઉસકો 1 સે 48 કામો કી ચર્ચા કરકે કામ કરના થા, પરંતુ સભાધ્યક્ષ કોઈ એક ભી કામો કે બારે મેં એજન્ડા કે બારે મેં કોઈ જાણકારી નહીં થી, ઓર એક ભી કામો પર કોઈ ભી તરફ સે બોલ નહીં સકતે થે. 45D का उपयोग करके उन्होंने पूरा तरह से भ्रष्टाचार किया है. 45D पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दे पाए. और पहली सभा वार्षिक सभा के अंदर वर्ष की शुरुआत में 31 जनवरी की पहले सभा लेनी चाहिए. इन्होंने 5 फरवरी को सभा लिया, जो कि अनैतिक है. इसमें कमिश्नर के बगैर आदेश का आप सभा ले नहीं सकते. म्यूनसिपालिटी एक्ट 1963 के मुताबिक ये टोटल गलत है. इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. अनजान और अज्ञानी होने के नाते ये कुछ भी बोल देते हैं. और हमारे जो भी काम के खुलासे तो उसमें हमारा विरोध है, क्योंकि इनके पास कोई भी काम के बारे में जानकारी है ही नहीं. अभी जो कचरे के लिए आपने जो विरोध उठाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात चल रही है, निश्चित ये शांति कारपोरेशन नाम की कंपनी जो 72 लाख रुपए में एजेंडा के ऊपर जो है कचरा के उठाने की बात किया है, उसका हमने विरोध किया है. इसलिए किया है कि 72 लाख के बारे में आपने चर्चा किया और आप जो है उसको पूरी तरह से बजट में लेने वाले हैं, तो बजट की क्राइटेरिया के अंदर सामान्य सभा में दिया हुआ जो आंकड़ा है वो कतई लागू नहीं पड़ता. इनको इस बात का नॉलेज नहीं है कि 72 लाख अगर हम एजेंडा में देते हैं सामान्य सभा में, वो हम बजट में लेने के लिए बात नहीं करते. बजट की प्रक्रिया अलग होती है. अगर वही कॉर्पोरेशन को अगर दिया जाता है टेंडर, तो इसके अंदर विपक्ष क्या करेगा? नहीं, निश्चित रूप से उसको हमने मना कर दिया है और सभा के अंदर भी बोल दिया है. कमिश्नर श्री के प्रतिनिधि मिस्टर मकवाना साहब आए थे और हमारे सेक्रेटरी और सभाध्यक्ष महोदय के सामने हमने कह दिया है कि हम 72 लाख को किसी तरह से अनुमति नहीं देते हैं. और यही नहीं, अन्य और तमाम कामों में जितने भी भ्रष्टाचार होंगे, भ्रष्टाचार रात 4 रूपी कामों के अंदर हमारा कहीं भी कोई भी भागीदारी काम की नहीं है. और ना हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी काम हो, क्योंकि ये लोग आज तक हमेशा 2018 से लेकर 20 तक जो भी काम किया है टोटल भ्रष्टाचार युक्त काम किया हुआ. और जितने भी भ्रष्टाचार काम हुए उसका हमने विरोध किया है और हमारे 18 काउंसिलर हमेशा विरोध किए हैं. और निश्चित रूप से 72 लाख 45D तमाम सारे ऐसे कामों का विरोध है, था और रहेगा.